जिला बिलासपुर की स्वारगढ़ पुलिस की रेगुलर वाहन चेकिंग के दौरान वाहनों में लकड़ी की अवैध तस्करी को लेकर सिकंजा कस दिया है और एक गाड़ी से 15 स्लीपर चीड़ की लकड़ी के बरामद किए हैं। इसके साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति को 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना स्वारगढ़ की पुलिस टीम ने थाना प्रभारी बलवीर सिंह की अगुवाई में स्वारगढ़ के मुख्य चौक पर नाका लगाया हुआ था। पुलिस टीम में ASI सहदेव दत्त, मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह, गृह रक्षक रामपाल व जीत सिंह, चालक मंजीत सिंह शामिल थे। नाके के दौरान पुलिस टीम द्वारा वाहनों की रेगुलर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने मंडी की तरफ से आ रहे एक पिकअप वाहन को रोका और जिसे देखकर चालक घबरा गया। पुलिस टीम ने जब वाहन की तलाशी ली तो पाया गया वाहन में लकड़ी के 15 स्लीपर लदे हुए थे, जिनके संबंध में चालक के पास कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए, जिस पर पुलिस ने तुरंत पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी व्यक्ति को आज न्यायालय में पेश किया गया है, जिसे 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। स्वारगढ़ ने नाका के दौरान एक गाड़ी को रोका, जिसमें चेक करने पर उसमें 15 स्लीपर पाए गए, तो ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया हमारी पुलिस ने, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है, उसका रिमांड लिया जा रहा है। फॉरेस्ट एक्ट और चोरी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस रजिस्टर कर लिया गया है।